दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त अगर देखा जाए, लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान कंप्यूटर का लेक्चर ऑलरेडी आपके बीच में जा रहा है। हमने आपसे कहा है कि हम आपके जो भी सिलेबस बन रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, खास कर 2022 वालों के लिए, सारे सिलेबस को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलरेडी हम बात करें एजुकेशन फर्स्ट पेपर और एजुकेशन सेकंड पेपर ऑलरेडी आपके बीच में पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट ओपन करके जितने भी वीडियोस बन रहे हैं सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नोट्स के संबंधी किसी भी प्रकार की, अच्छा सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 9th की शुरुआत आज की इस वीडियो से हो रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9th का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो बिल्कुल इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हमने आपसे कहा है कि कंप्यूटर का एक विस्तृत नॉलेज आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपकी छूट नहीं रही है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम आपको इंपॉर्टेंट भी बताते चल रहे हैं कि आपके परीक्षा में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, आप जो है अगर देखा जाए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की शॉर्ट नोट की मांग कर रहे थे कि भैया हमें शॉर्ट नोट चाहिए, तो बिल्कुल वह चीजें उपलब्ध है। आप देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र ₹150 में। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप मामूली से शुल्क ₹150 का पेमेंट करके आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उस चैनल को जैसे ही ज्वाइन करते हैं सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वहां पर पड़ी हुई है, बिल्कुल आप उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं समस्या नहीं होगी। जो लोग सीरीज वगैरह खरीद रहे हैं, आपको सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपके बीच में कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर जैसे 2015, 16, 17 में जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एग्जाम हुए हैं, आपको उस पेपर को रिलेट करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर और जो है आपको अगर देखा जाए मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको कहीं सीरीज वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। बस सीरीज खरीदेंगे आप, सिर्फ सीरीज से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इस नोट्स को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको वीडियो के साथ साथ शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यहां पेपर भी आपको जैसे एक लिखने का तजुर्बा आपको होता है कि हम किस प्रकार से अपने पेपर में लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल उतनी ही चीज़ें आपको लिखी उस नोट्स में लिखी गई हैं जितना आप उस पेपर में अपना लिखते हैं। फालतू की चीज़ें उसमें कोरिलेट नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हम आपसे कहना चाहेंगे भैया अगर आप सीरीज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार आप नोट्स को लेकर देखिए, नोट्स को लेने से आपको कितना फ़ायदा होता है आप खुद समझदार हैं। अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपके बीच में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है 94523103 पर, अपनी बात को धड़क कह सकते हैं। हमने आपसे कहा है, हम चैलेंज करते हैं, कोई भी YouTube चैनल आपको नंबर नहीं देता है, नंबर तो मान लीजिए दे देते हैं, लेकिन ये आपसे नहीं कहते हैं कि आप इस चैनल इस नंबर पर आइए हमें अवगत कराइए। हम आपसे कह रहे हैं आप इस नंबर पर हमें अवगत कराइए कि हमें यह टॉपिक नहीं समझ में आया। हाँ, लेकिन अगर आपने ₹150 का शुल्क लेकर जो है शुल्क देकर आपने इस चैनल को ज्वाइन किया, तब उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अवगत कराइए, हमें यहां नहीं समझ में आया, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए दोबारा से लेक्चर प्रोवाइड करें। हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो बेहतर से बेहतर आपके साथ रिजल्ट मिल सके, ठीक है। हमने कहा है जो लोग भी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि 95% नंबर हम आपको दिलवाएंगे, लेकिन जितना यहां से कहा जा रहा है उतना आप करते हुए चलिएगा। आपको कहीं किसी भी चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी सीरीज को खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप पढ़ते चलिए, ठीक है। तो बहरहाल उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, आप करते क्या हैं। तो आशा करते हैं वीडियो से आप संतुष्ट हो रहे होंगे, हम आपके फीडबैक की आकांक्षी हैं। तो चलिए बिना कुछ समय गमाए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती है। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर।
तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत अगर हम कहें, हमने आपसे कहा है कि हम आपके अगर देखा जाए वीडियो में सिर्फ वही चीज़ों को शामिल कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले आपके बीच में आता है कि आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपसे कहा जा रहा है, डबल इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे, देखिए कभी भी किसी भी परिभाषा को जब भी आप लिखा करिए तो वहाँ आप डबल इन्वर्टेड कामा कर दिया करिए, तो तीन हो गया, लेकिन आप ऐसे से दो इन्वर्टेड कामा जरूर लगाया करिए, ठीक है, क्योंकि वह चीज़ें सबसे अलग हो जाती हैं डबल इन्वर्टेड कामा को लगने से। इसमें कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आप देखेंगे आपके बीच में दूसरी परिभाषा दी जा रही है। हमने तीन तरह से जो है इसे डिफाइन करने का प्रयास किया है। देखिए अगला आपसे कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न आगत, इसे हम इनपुट कह सकते हैं, निर्गत इसे हम आउटपुट कह सकते हैं, इकाई केंद्रीय संसाधन, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह जो आपके बीच में CPU लिखा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इस वजह से हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप इस CPU को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम इसे कह सकते हैं CPU को, ठीक है। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, चूंकि पांच नंबर का आपका बहुविकल्पी आता है और पांच नंबर की बहुविकल्पी में एक नंबर का क्वेश्चन तो हो ही सकता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए यहां देखिए आपसे आगे कहा जा रहा है, वह अस्थाई भंडारण इकाई की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा प्रयोक्ता द्वारा या यूजर, यहाँ जो प्रयोक्ता दिया गया इसकी इंग्लिश होगी, यूजर द्वारा दिए गए निर्देश व अन्य सॉफ्टवेयर सफल क्रियान्वयन का प्रबंध करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ देखिए सारी चीज़ों के, अभी अगर ऊपर आपको नहीं समझ में आया होगा तो नीचे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नीचे सारी चीज़ों के निचोड़ आपके बीच में लिखी गई है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए यहाँ लिखा गया है, अतः कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी कार्यालय के विभिन्न क्रियाओं को उस कार्यालय का प्रबंधक विभिन्न निर्देशों के माध्यम से नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर प्रणाली की क्रियाओं को नियंत्रित करने में ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। जैसे हम सपोज दैट की बात करें, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वह विद्यालय आपका मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेज, आप सभी को पता है अगर मैनेजमेंट का विद्यालय है तो मैनेजर सारी चीजों को देख रेख करता है, मैनेजर जैसे चाहेगा उसी तरह से विद्यालय का संचालन आपका हो पाएगा, ठीक है। तो वही जो मैनेजर आपका होता है उसी को आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। मैनेजर जो होता है वही ऑपरेट करता है कि भैया आप, यह कर्मचारी यहाँ काम करेगा, ये ऐसे करेंगे, ठीक है। हालांकि प्राचार्य आपके विद्यालय में होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्राचार्य से ऊपर मैनेजर होता है, मैनेजर सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है कि आपको यहाँ ऐसे वैसे करना है, ठीक है। तो मैनेजर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। अभी तक हमने कहा आपसे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ठीक है। चलिए अगर आपको जो है ऊपर चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो बिल्कुल यहाँ से तो हमें लगता है कि आपका कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं। देखिए अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य के अंतर्गत बात करें तो पहला आपके बीच में रखा जा रहा है, प्रक्रिया प्रबंधन क्या है। इस प्रक्रिया में OS, देखिए यह चीज़ ध्यान रखिएगा, यह OS लिखा गया है, OS यह सुनिश्चित करता है कि कब किसी निर्देश को क्रियान्वयन करना है तथा एक निर्देश का क्रियान्वयन पूर्ण होने पर अगला कौन सा निर्देश क्रियान्वित करता है, ठीक है। प्रक्रिया प्रबंधन क्या है, इसमें कहा जा रहा है पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि कब किसी निर्देश को क्रियान्वयन करना है, फिर जो है तथा निर्देश को क्रियान्वयन पूर्ण होने, जैसे पहला निर्देश अगर आपका पूर्ण हो चुका है तो फिर आगे कौन सा क्रियान्वयन करना है, यह प्रक्रिया प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है।
चलिए अगला आपके बीच में कहा जा रहा है, देखिए स्मृति प्रबंधन क्या है। स्मृति प्रबंधन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट इसे हम कह सकते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत परिचालन प्रणाली प्रयोक्ता द्वारा आगत इकाई के माध्यम से दिए गए निर्देश प्रोग्राम व आंकड़ों को प्रारंभिक स्मृति में उचित स्थानों पर पहुँचाने अथवा आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से खोजने का कार्य करता है। कौन? स्मृति प्रबंधन। ठीक है, स्मृति प्रबंधन किसी चीज़ को याद रख लेना जो है, जैसे कोई चीज अगर आपको याद हो गई है तो आप कभी भी उस चीज को सर्च में ला सकते हैं या कभी भी उस चीज को आप याद कर सकते हैं कि हमें ये चीजें याद हैं। तो यही आपका स्मृति प्रबंधन मींस मेमोरी मैनेजमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं बिल्कुल मुझे आप कॉमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। तीन नंबर में अगर हम बात करें तो आगत निर्गत प्रबंधन, इसे हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ से समझेंगे, कहा जा रहा है कि आगत निर्गत प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न आगत तथा निर्गत युक्तियों का समन्वय जो है समन्वय कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्रियान्वित किया जाना, यही आपका आगत निर्गत प्रबंधन मीन्स इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ आप बढ़ा लीजिएगा इनपुट आउटपुट या आगत निर्गत प्रबंधन क्या होता है, आप खुद इतने समझदार हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ आ रहा है आपके बीच में, देखिए फाइल प्रबंधन मीन्स फाइल मैनेजमेंट होता क्या है। इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो फाइल प्रबंधन आगत कंप्यूटर सॉरी फाइल प्रबंधन के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की प्रारंभिक स्मृति में। ठीक है, कहा जा रहा है फाइल प्रबंधन। अच्छा एक चीज हम पहले आपको बताएं, अगर इस PDF की जरूरत आपको पड़ रही है तो आपको मामूली सी शुल्क ₹150 का पेमेंट करना है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ओपन करें, वहां से इस शुल्क का पेमेंट करके आप सारे सब्जेक्ट की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क को पेमेंट करेंगे, हमने आपसे कहा है कि जैसे आपकी परीक्षा नजदीक आएगी तत्काल आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा सिर्फ इसी चैनल पर जो आप ₹150 देकर ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज आप ध्यान रखिएगा आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया जाएगा, इस चीज को खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल बिना देर किए आप लिंक पर जाएं और वहां से इस शुल्क को पेमेंट करके तत्काल ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है फाइल प्रबंधन या फाइल मैनेजमेंट है क्या। देखिए इसमें कहा जा रहा है फाइल प्रबंधन के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की प्रारंभिक स्मृति में संरचित आंकड़ों व निर्देशों को द्वितीयक स्मृति अर्थात अस्थायी भंडारण युक्तियों जैसे फ्लॉफी हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप इत्यादि पर फाइल के रूप में किसी नाम के अंतर्गत संचित करने का कार्य करता है। कौन? फाइल प्रबंधन। ठीक है, अब फाइल आप इसके नाम से ही आप खुद समझ सकते हैं कि फाइल होता क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व और कंप्यूटर प्रणाली में। ठीक है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कंप्यूटर प्रणाली में क्या महत्व है आप समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का क्रियान्वयन हेतु उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली मात्र एक क्रियाहीन शक्तिहीन यंत्र के समान होती है। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में ना हो, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि यह कोई कार्य अपने मन से नहीं कर सकता, इसके पास अपनी शक्ति नहीं होती है। यह जो ऑपरेटर होता है ऑपरेटर के द्वारा इसे शक्ति प्रदान किया जाता है तब जाके यह कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में यह यंत्र न तो प्रयोक्ता के निर्देश को प्राप्त कर सकता है और ना ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है और ना ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। और नीचे अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। हमने आपसे कहा कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है पूरी तरह से जो है शक्तिहीन है, वह कुछ काम नहीं कर सकता, उसे हम अगर कहा जाए तो क्रियाहीन कह सकते हैं, यानी कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आए मुझे अवगत कराइएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो पहला आपका है प्रयोक्ता संख्या के आधार पर और बहु प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली के आधार पर। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम कहें आपसे
पहले के अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रयोक्ता संख्या के आधार पर, इसमें एक नंबर में आपसे कहा जा रहा है प्रयोक्ता संख्या के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम परिचालन प्रणाली दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला आपका है एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली और दूसरा है बहु प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली, सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं, हम हिंदी और इंग्लिश को दोनों को रिलेट कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पहला आपके बीच में आ रहा है एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली। इसमें कहा जा रहा है इस प्रकार की परिचालन प्रणाली मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर जैसे पीसी, होम कंप्यूटर व अन्य एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर वर्ग के कंप्यूटर का परिचालित करने के लिए होता है। जैसे यहां देखिए विंडोज हो गया, पीसी डॉस हो गया, जोनिक्स हो गया, टीआरएस डॉस हो गया। ठीक है, ये अगर देखा जाए एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली के उदाहरण है। ठीक है, अब आपके बीच में आ रहा है दूसरा, इसे हम कह सकते हैं बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली। ठीक है, बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली के अंतर्गत अगर हम कहें तो आपसे स्पष्ट तौर पर इसमें कहा जा रहा है, देखिए पहला आपके बीच में आ रहा है कि बहुप्रयोक्ता अर्थात मल्टी यूजर, बहुप्रयोक्ता से आप समझ पा रहे हैं जिसे बहुत लोग प्रयोग करें। ठीक है, बहुप्रयोक्ता अर्थात मल्टी यूजर के वर्ग के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर को परिचालित करने हेतु बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार परिचालन प्रणाली विभिन्न प्रकार के टर्मिनल व युक्तियों के माध्यम से एक या एक से अधिक प्रयोक्ता के द्वारा एक ही समय पर दिए गए निर्देश को प्राप्त कर उसका एक साथ कंप्यूटर पर अनुपालन करवाती है। कौन? बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए इस परिचालन प्रणाली के उदाहरण कौन कौन से हैं, आपका यूनिक्स हो गया और सन सोलारिस हो गया और लाइनेक्स हो गया, ये अगर कहा जाए तो बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, अब यहां से देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है शॉर्ट नोट। यहां से आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें अब जाके आपके इस चैप्टर में आई हैं। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पहले हमने जो आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अनगिनत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यहां देखिए लिखा गया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम डॉस कह सकते हैं। ठीक है, यहां कहा जा रहा है डॉस को अगर हम कहें तो डॉस दुनिया की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली परिचालन प्रणाली है। प्रत्येक कंप्यूटर प्रयोक्ता को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। डिस्क के संचालन में डॉस को दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका है प्रथम एक छोटा भाग सिस्टम हेतु, एक बड़ा भाग डाटा हेतु रखा जाता है, और दूसरा हम कहें सिस्टम भाग में सिस्टम की मुख्य जानकारी रखी जाती है। इसे तीन भागों में बांटा जाता है। यहां समझने का प्रयास करेंगे, पहला आपका हो गया, देखिए यहाँ दिया जा रहा है आपके बीच में बूट हो गया, फाइल एप्लीकेशन टेबल हो गया, और यहाँ देखिए इसका उदाहरण FAT हो गया और रूट डायरेक्टरी हो गया। ये किसके उदाहरण है? आप कहेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स डॉस के उदाहरण आपके बीच में दिया जा रहा है। देखिए अगला आपके बीच में आ रहा है विंडोज हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है। यह प्रयोक्ता की सुविधा ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है इंटरफेस यूजर जो है इसे हम GUI प्रदान करता है। विंडोज चलाने के लिए PC 80386 एवं उससे अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। किसे चलाने के लिए? विंडोज चलाने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि विंडोज चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे विंडोज चलाने के लिए PC 80386 उससे अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। किसे चलाने के लिए? विंडोज को चलाने के लिए। यहां देखिए आपसे ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है यूनिक्स हम किसे कहते हैं। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक कंप्यूटर पर एक साथ अलग अलग टर्मिनल पर अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक कंप्यूटर पर एक साथ अलग अलग टर्मिनल पर अनेक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसमें देखिए यूनिक्स हो गया और यूनिक्स का अपभ्रंश है। ठीक है, यहां समझेंगे, यहां कहा जा रहा है आपके समक्ष
कि यूनिक्स जो आपका होता है वह यूनिस का अपभ्रंश है। इसका पूरा नाम है यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंपाउंड सिस्टम। ठीक है, किसका पूरा नाम समझेंगे आप, यूनिफ्लेक्स जो है यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंपाउंड सिस्टम, यूनिस का पूरा नाम होता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आपके बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे लाइनक्स होता क्या है। देखिए, अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स एक संपूर्ण कार्यकारी, संपूर्ण बहुकार्यकी या मल्टी टास्किंग, बहुप्रयोगता या मल्टी यूजर परिचालन प्रणाली है तथा यह यूनिक्स के अनेक संस्करण के समान है। इसका अर्थ यह है कि लाइनक्स परिचालन प्रणाली में अनेक प्रयोगता लॉग इन करके एक ही मशीन पर एक साथ भिन्न भिन्न प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकते हैं। ठीक है, क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल, आप मुझे अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और मैं फाइनल आपसे कहना चाहूँगा, आपके लिए इस पीडीएफ के लिए भैया मामूली से शुल्क ₹150 रखा गया है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। हमने आपसे कहा है कि इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जो आप ज्वाइन कर रहे हैं ₹150 देकर, आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन पाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की वीडियो से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।